नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 9 साइंस के एमसीक्यू प्रश्नों का यह पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों को रखा है। ये प्रश्न क्लास 9 बोर्ड के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप पहले अपने चैप्टर का अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, उसके बाद आपने जो पढ़ा उसकी जांच के लिए इस प्रश्न पत्र का प्रयोग करें। प्रश्न संख्या एक, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? पहला ऑप्शन है गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पेय। ये ठंडा पेय ही पदार्थ है, बाकी जो तीनों ऑप्शन थे शुरू के ये पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, यानी द्रव का कौन सा गुण है जो निश्चित होता है? तो हम जानते हैं कि पानी हो या दूध हो, मान लीजिए दूध हम लेते हैं 1 लीटर, तो किसी भी बर्तन में हम डालें तो 1 लीटर ही रहेगा, अर्थात उसका आयतन निश्चित रहेगा। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक है, पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक्स? तो हम लोग जानते हैं कि इन चारों में से सिर्फ सूती ऐसा कपड़ा है जो हमारे पसीने को सोखता है, जिसे जब हम पहनते हैं तो यह हमारे पसीने को, जो हमारे शरीर में गर्मी में पसीने निकलते हैं, उस पसीने को यह सूती कपड़ा सोखता है, फिर इसका वाष्पीकरण होता है उस पसीने का, और वाष्पीकरण के बाद वहां ठंडक हो जाता है, इसलिए सबसे आरामदायक होता है यह सूती कपड़ा। बाकी ये जो तीनों है, पॉलिस्टर, सिल्क, सिंथेटिक, इसमें ये गुण नहीं होता है। प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? स्नेह, गंध, घृणा और वायु। तो ये वायु है। प्रश्न संख्या पांच, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? हम जानते हैं कि अणु जो है वो गति में रहते हैं, पदार्थों के अंदर अणु गति में होते हैं, और ये गति सबसे ज्यादा होती है गैस में। ठोस में जो अणु होते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े स्थिर होते हैं, द्रव में थोड़ा उससे तेज गति करते हैं, और गैस में बहुत ज्यादा गति करते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। अतः हमारा आंसर होगा ये तीसरा नंबर, गैस। प्रश्न संख्या छह, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो ये केल्विन में बदलना है, ये सेल्सियस स्केल में है, ऐसे केल्विन केल्विन स्केल में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये होता है। तो 10 डिग्री का अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस का अर्थात हो जाएगा ये 10 डिग्री और जोड़ 273, अर्थात 283 केल्विन। तो ये हमारा दूसरा नंबर सही है। दूध है पहला, द्रव, ठोस, गैस और चौथा है बीईसी। तो हम लोग जानते हैं कि दूध द्रव होता है। प्रश्न संख्या आठ, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो हम जानते हैं कि गैस के जो कण होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे
कम होता है, इससे ज्यादा आकर्षण बल द्रव में होता है और ठोस में होता है। प्रश्न संख्या 9, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है, अर्थात ये घनत्व किसे कहते हैं, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम को। तो ये हमारा चौथा नंबर सही है। प्रश्न संख्या 10, गर्म करने पर गैस का आयतन, ये हम सभी जानते हैं कि जब हम गर्म करते हैं तो गैस का आयतन बढ़ता है। प्रश्न संख्या 11, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अभी इससे पहले हमने देखा था सबसे ज्यादा अणुओं की ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होती है, तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे कम किस में होती है, तो ये होती है ठोस में, और इससे ज्यादा ऊर्जा द्रव में रहता है और इससे ज्यादा गैस में। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो हम जानते हैं कि अगर 1 लीटर पानी को हम जग में रखें तो जग के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, तो जो सबसे अनिश्चित होता है वो है आकार। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? ये क्यों मिल जाता है? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है। प्रश्न संख्या 14, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। स्वतः जो मिल जाते हैं दो भिन्न पदार्थ, जैसे अगर हमने कहीं अगरबत्ती जला दिया तो उसका गंध चारों तरफ फैल जाता है, या किसी अगर किसी ग्लास में पानी लें और उसमें एक बूंद इंक डालें तो थोड़े देर में हम देखेंगे कि उसका रंग चारों ओर फैल जाता है। तो ये गुण होता है विसरण का, डिफ्यूजन का या विसरण का। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? मतलब एक इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है किसी तत्व का, उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है घनत्व। प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो इसमें कौन पदार्थ नहीं है? ये लव यानी प्यार, हवा, पानी और भोजन, ये पदार्थ है। प्रश्न संख्या 17, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। क्वेश्चन नंबर 18, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है, इसे केल्विन में बदलना है, तो यहां हम 25 डिग्री सेल्सियस स्केल टू 25 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 7 2 9 2 298 केल्विन, तो ये पहला नंबर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है? यानी गैस को जब हम लिक्विफाई करते हैं, उसको जब हम द्रव में बदलते हैं, तो उसके लिए जो उपयुक्त परिस्थिति है क्या होना चाहिए? पहला है निम्न ताप, निम्न दाब। दूसरा है उच्च ताप, निम्न दाब। और तीसरा है निम्न ताप, उच्च दाब। और चौथा है उच्च ताप, उच्च दाब। तो हमारा आंसर होगा निम्न ताप, उच्च दाब, यानी गैसों को लिक्विड में बदलने के लिए हमें तापमान को कम रखना होगा और दबाव को बढ़ाना होगा। प्रश्न संख्या 20, किस कारण से गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखे पानी ठंडे हो जाते हैं?
हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में हम लोग घड़े का पानी पीना चाहते हैं या किसी मिट्टी के दूसरे बर्तन का में रखा हुआ पानी पीते हैं, पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी ठंडा होता है। तो ये ठंडा क्यों हो जाता है? तो ये इसका कारण है वाष्पन। ये कैसे होता है? देखिए, ये हमारा मान लीजिए एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा। तो ये मिट्टी का जो घड़ा होता है, हम जानते हैं कि जो घड़ा बनता है तो इसमें बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं। और ये अगर स्टील का घड़ा लें तो क्या उसमें पानी ठंडा होगा? नहीं, क्योंकि उसमें छिद्र नहीं होती। ये छिद्र होता है, इससे ये पानी रिस कर बाहर आता है और इसका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण जब होता है तो ये सतह ठंडा हो जाता है और ये पानी को ठंडा कर देता है। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों, इस चैप्टर से 20 प्रश्नों को दिया। आशा है कि इससे आपको सहायता मिलेगी। इस तरह के विज्ञान के सारे चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न की श्रृंखला मैं बना रहा हूं। अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको चला जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।